नमस्कार, एसडीएफ न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आर के रोशन। आइए देखते हैं अब तक की 10 बड़ी खबरें। नए कृषि बिल को लेकर विपक्ष राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश कर रहा है, जबकि इस बिल से ग्रामीण क्षेत्रों में पलायन को रोका जा सकता है और इससे खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े उद्योग में भी पूंजी निवेश पूरी तरह बढ़ेगा। ये बातें बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कही है। जाप अध्यक्ष पप्पू यादव को भरोसा है कि इस विधानसभा चुनाव में बाजी उनके हाथ लगेगी। मैनिफेस्टो को बतौर प्रतिज्ञा पत्र समर्पित करते हुए उन्होंने कहा है कि 3 साल में किए गए वायदे पूरे किए जाएंगे, ऐसा नहीं होने पर पद त्याग देंगे। विभिन्न मुद्दों को लेकर कई सहयोगी पार्टी का महागठबंधन से मोह भंग होने लगा है। इस बीच चुनाव से पहले ही रालोसपा को भी नाराज होने का वजह मिल गया है। पार्टी के प्रवक्ता ने अपनी नाराजगी से महागठबंधन को अवगत करा दिया है। उपेंद्र कुशवाहा संभवतः पुनः एनडीए के शरण में ही जाएंगे। अपने कार्यकाल से पूर्व ही डीजीपी पद त्यागने वाले गुप्तेश्वर पांडे ने बड़े विनम्रतापूर्वक यह कहा है कि पॉलिटिक्स पाप हो रही है। उन्होंने यह भी कहते हुए कयासों पर विराम लगाने का एक प्रयास करते हुए कहा कि कुछ दिनों से उनकी निष्पक्षता पर संदेह किया जा रहा था, इसी के चलते पद त्याग किया। अंतरराज्यीय बस अड्डे का काम तेजी से पूरा किया जा रहा है। इस नए बस अड्डे का उद्घाटन भी सीएम नीतीश कुमार कर चुके हैं। अब यात्रियों की सुविधा बहाल करने की बात की जा रही है। पटना क्षेत्र के सभी रेल स्टेशनों से बस टर्मिनल के लिए प्रीपेड ऑटो परिचालन शुरू किया जाएगा। सूबे के नए डीजीपी एसके सिंगल ने अपने पद संभालते ही कहा कि पुलिस की छवि को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उनके बेहतर अनुभव और इरादे का लाभ बिहार को जरूर मिलेगा। राजधानी पटना में चोरी की घटना को रोक पाना पुलिस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है, लेकिन साथ साथ यह भी बात है कि पुलिस के लिए यह काम असंभव भी नहीं है। इसी को ध्यान में रखते हुए आईजी सेंट्रल रेंज संजय कुमार ने सभी थानेदार को अपार्टमेंट की सूची तैयार करने को कहा गया है। साथ ही हर दरोगा के जिम में एक अपार्टमेंट रहेगा। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत में ड्रग्स एंगल की जांच में बॉलीवुड की कई अभिनेत्री का नाम सामने आ जाने के बाद एनसीबी के रडार पर आई अभिनेत्री का शूटिंग बीच में ही ड्रॉप हो गया है। इस बीच दीपिका पादुकोण मुंबई पहुंच भी गई हैं। बदलते मौसम की तरह राजनीतिक समीकरण भी बदलने के संकेत ने बिहार के राजनीति में हलचल पैदा कर दी हैं। अब तक राजद के राजकुमार तेजस्वी यादव को बिहार का सीएम तथाकथित लोग मान रहे थे, लेकिन अब इस रेस में लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान का नाम भी तेजी से उभर रहा है। खास बात यह है कि युवा जदयू के प्रदेश उपाध्यक्ष अजय नारायण चौधरी ने कहा है कि अभी बिहार में वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर रहे हैं, इसलिए सीएम पद की किसी तरह की वैकेंसी बिहार में नहीं है। आने वाले 5 दिनों तक बिहार में बारिश से निजात नहीं मिलेगी। मौसम विभाग ने पटना समेत अन्य 21 जिलों के लिए अलर्ट घोषित कर दिया है। साथ ही भारी बारिश के साथ ही ठनका गिरने की संभावना व्यक्त की गई है। इस बीच बिहार के सभी नदियां एक बार फिर बढ़ने लगी हैं। खबरों के इस सफर में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए एसडीएफ न्यूज। We'll be right back.